नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी, लेकिन ये सब्जी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनी होगी और इसमें हम नेनुआ और अरबी दोनों मिक्स करके बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अरबी और नेनुआ की मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने करीब 400 ग्राम अरबी लिया है, जिसको छील लिया है और छीलने के बाद अच्छे से धो लिया है। इसी तरीके से करीब इतना ही 300 से 400 ग्राम के करीब हमने नेनुआ लिया है, जिसको अच्छे से धो के छील कर साफ करके रखा है। अब हम इन दोनों को अच्छे से कट कर लेंगे। दोस्तों, अरबी को छीलते समय हमेशा अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर ज़रूर रखें, नहीं तो हाथों में हल्की खुजली भी हो सकती है। अरबियों को हम कट कर लेते हैं। हमने अरबी और नेनुआ दोनों को कट करके रख लिया है और अब हम एक मिक्सचर जार लेंगे और उसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार करेंगे। ये हमने दो प्याज ली थी, इनको कट कर लिया था, और ये कम से कम 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं, जिनको अब हम बारीक पीसेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इसमें। अब इसको हम पीस लेते हैं। लहसुन प्याज का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें इन अरबियों को डाल देते हैं। इनको हम बराबर चलाते हुए डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। पलट कर इसको हर तरफ से हम फ्राई करेंगे, वरना ये कढ़ाई में चिपक जाएंगे और ठीक से पक भी नहीं पाएंगे। हमारी अरबी का कलर ब्राउन होने लगा है, बस थोड़ी सी कसर इसमें और है। इसको अभी हम पलटते रहेंगे। अब हमारी अरबी का कलर डार्क ब्राउन हो चुका है और इसको हम अब निकाल लेते हैं। इसके बाद हम गैस पे कुकर चढ़ाएंगे। और इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये अजवाइन डालेंगे। फिर थोड़ी सी इसमें हम हींग डालेंगे।
इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। चला देंगे। थोड़ी देर हम इस प्याज के पेस्ट को पकाएंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे। एक से दो सेकंड के लिए हम इसको ऐसे ही ढक देते हैं। थोड़ी देर इसको और हम पकाएंगे। एक बार इसको फिर से हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है तेल छोड़ने लगा है। इसकी यही पहचान है कि मसाला हमारा पक चुका है। ये देखिए, अब इसमें हम ये फ्राई की हुई अरबी को डाल देते हैं। और ये कटे हुए नेनुआ को भी डाल देते हैं। और फिर अच्छे से इसको हम चला देते हैं। अगर दोस्तों ये सब्जी नीचे से कुकर में लगती है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ताकि सब्जी जो है जलने ना पाए। करीब 2 से 3 मिनट तक हमको इस सब्जी को भूनते रहना है। अब हम इसमें अंदाज से नमक डालेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला। फिर से एक बार इसको अच्छे से हम चलाएंगे।
हमें इस सब्जी को दोस्तों तब तक भूनना है जब तक कि हमारे ये नेनुआ के पीसेस जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते। इस बार नेनुआ जो है सॉफ्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से हमने इसको भून लिया है। बस अब इसमें पानी डालने का वक्त आ चुका है, तो हम इसमें अंदाज से पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं और करीब 5 मिनट तक 2 से 3 सीटी आने का वेट करते हैं। हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है और अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं। सब्जी हमारी पक चुकी है और अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी अरबी और नेनुआ की रसीली सब्जी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। इसे आप दाल चावल, पूड़ी पराठा, किसी चीज़ के भी साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप भी इसको ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है मेरी ये सिंपल तरीके से बनाई हुई सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।